सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धनंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। दास गोल्डी अरोड़ा। सत्संग, आज हम एक सच्ची बात, एक सच्ची घटना पर विचार करेंगे कि सत्संग किस प्रकार राजा भर्तृहरि जो थे वो योगी बन गए। सत्संग, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं कि जो ठोकर खाकर सीखते हैं, और एक दूसरे को ठोकर खाता हुआ देखकर सीख जाते हैं। तो सत्संग, इनमें से अच्छे वो हैं जो दूसरे को ठोकर खाता देखकर स्वयं सीख जाएं। तो सत्संग, इस प्रकार महात्मा कहते हैं कि अगर हम ठोकर खा खा कर सीखेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, बहुत छोटी ज़िंदगी है ये, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। तो राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और एक बार राजा भर्तृहरि के दरबार में एक साधु महात्मा आए और उन्होंने कहा, राजा साहब, ये आपके लिए एक ऐसा अमृत है, अगर आप इसे पी लोगे तो आप हमेशा जवान रहोगे, यंग रहोगे, आपके चेहरे का नूर नहीं जाएगा। तो उन्होंने, राजा भर्तृहरि ने सोचा, क्यों ना मैं ये अपनी रानी पिंगला को दे दूं ताकि वो हमेशा खूबसूरत दिखती रहे। वो पहले भी बहुत खूबसूरत है, उसकी कभी खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो अमृत रानी पिंगला को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको पी लो और आपका नूर कभी नहीं जाएगा, आप पर बुढ़ापा कभी नहीं दिखेगा, और आप पर चेहरे का जो नूर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब सत्संग, रानी पिंगला ने वो रख लिया, और सत्संग, रानी पिंगला किसी और को प्यार करती थी, वहीं का एक सेनापति। तो रानी पिंगला ने वो अमृत वो उस सेनापति को दे दिया कि सेनापति बूढ़ा ना हो, वो जवान दिखे। अब आगे क्या हुआ, वो सेनापति किसी वैश्या से प्यार करता था। अब वो सेनापति ने उस वैश्या को वो दे दिया कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो हमेशा खूबसूरत दिखती रहे। जब वैश्या को वो मिला तो वैश्या ने सोचा कि तेरी क्या ज़िंदगी है, तूने किसी के लिए क्या करना है। तो हो ना हो, जो हमारे जो राज्य के जो राजा हैं वो कभी बूढ़े ना हों, वो जवान ही रहें, उन पर बुढ़ापा ना झलके, उनके चेहरे का नूर कभी ना जाए, मैं अमृत ये राजा को ही दे आती हूँ। तो वो वैश्या राजा पास आकर वो अमृत राजा को दे देती है। अब राजा के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि ये उसके पास कैसे आया। राजा वो ले लेता है और वैश्या से पूछता है कि ये आपको किसने दिया है। तो वैश्या को बताना पड़ता है कि मुझे ऐसे सेनापति ने दिया है। साथ में फिर उसे सारी कहानी समझ आ जाती है कि तू ये जो दुनिया का मोह कर रहा है इसको छोड़ दे। अब सत्संग, उसने क्या किया, तब से उसने कहा, मैं जिसको याद करता हूँ वो किसी और को याद करती है, और इस प्रकार अगर मैं उसको याद करूँ जो हर समय मुझे याद करता है, तो क्यों ना मैं प्रभु से प्रीत लगाऊँ, गुरु से प्रीत लगाऊँ। सत्संग, कहा भी है संत महात्माओं ने, अगर हम गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम हमारी तरफ अपने आप बढ़ा देते हैं। तो सत्संग, हम इनका ध्यान करें जो हमारी हर समय संभाल करते हैं, ना कि इस दुनियादारी का। तो सत्संग, इस कहानी से हमें यही, इस साखी से हमें यही समझने को मिलता है कि सारे रिश्तेदार झूठे, सच्चा एक यार गुरु। सत्संग, हमें हमेशा करना क्या है, गुरु की बात को मान कर चलना है। और सत्संग जी, यही अरदास है कि
कि हम इसकी बात को मान पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं। यही अरदास है सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन्यवाद जी।